सादर प्रणाम, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज़ के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में। इसी के तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं दुर्ग जिला प्रभारी, मीडिया प्रभारी के एस चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल राजनीति से, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली हुई है, किस तरह से निभा रही जिम्मेदारी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक संतरी से लेकर मंत्री तक जिसको जो जवाबदारी मिलती है वो अपनी जवाबदारी बहुत बखूबी निभाता है और अपने ही फील्ड में वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। और भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक रचना जो है वो ऐसी है कि काम को डिवाइड करने में, काम को बांटने में विश्वास रखती है, उसमें परफेक्शन होता है। तो हमें अगर मीडिया का जो विभाग मिला हुआ है तो हम मीडिया में बहुत, हम जितना अच्छे से अच्छा कर पाए मीडिया को वैसे करते हैं। और आज की डेट में आप देखेंगे तो मीडिया जो है वो एक पूरी विचारधारा को बदलने में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। पहले जो था, पहले ज़मीन जिसके पास ज़्यादा रहती थी ना, वो पैसे वाला या बहुत बड़ा आदमी था, है ना। अभी आज की डेट में जो मीडिया में ज़्यादा है वो बहुत बड़ा आदमी होता है और जिसके पास डाटा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी होता है। और अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचा सकें, अपनी बातें, जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं जो अधिकतर लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, और भारतीय जनता पार्टी किस टाइप का काम कर रही है, किस दिशा में काम कर रही है और कहाँ कहाँ रूबरू होना है, कॉन्टैक्ट होना है, अंत्योदय तक, अंतिम व्यक्ति तक कहाँ कहाँ जाना है, पहुँचना है, तो वो पहुँचाने की बहुत ज़्यादा, बहुत जो बड़ा जो माध्यम है वो मीडिया है। तो उसका काम भी, उसका दायित्व भी बहुत बड़ा रहता है और उसका काम भी बहुत बखूबी हमारे को करना पड़ता है। लोगों तक पहुंचने की बात आपने की, आगामी 1.5 साल में विधानसभा चुनाव हमारे प्रदेश में है, मुख्यमंत्री जी खुद भेंट मुलाकात के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं जी, बीजेपी की क्या रणनीति है प्रदेश स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, कब निकल रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता? देखिए, नेता बड़े और छोटे नहीं होते, मैंने पहले भी बोला, भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ कार्यकर्ता होते हैं और जिसको जो दायित्व दिया जा रहा है वो अपना दायित्व निभा रहा है। आज मुख्यमंत्री जी बाहर निकल रहे हैं, सबसे भेंट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ, उसका मैं कारण बता देता हूँ, जो इन्होंने सर्वे करवाया था जिसमें 40% विधायक इनके हार रहे थे, उन जिलों में जाके ये काम कर रहे हैं, उन जिलों में जाके ये घोषणाएं कर रहे हैं और दूसरे जिलों में नहीं जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं 90 विधानसभा में जाऊंगा, लेकिन वहां गए नहीं है। जहां पर उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ रही थी, जहां पर प्रत्याशियों की इनके नेगेटिव रिपोर्ट आ रही थी, वहां पर हार रहे थे, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। आदिवासी क्षेत्रों में जहां पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिपोर्ट आई है और ये इनकी अंदरूनी रिपोर्ट थी जिनको सिर्फ 40% बोला गया है, एक्चुअल में ये जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा है। तो वहां पर भी जाएंगे, लेकिन जहां जहां बहुत ज्यादा डैमेज है वहां खुद जा रहे हैं, लेकिन जनता भी इतनी जागरूक है कि वो समझती है कि आप चुनाव वाले समय आ रहे हैं, आप, हम नकार चुके हैं आपको, तो उसके बाद आ रहे हैं आप, तो ये सब जानते ही हैं। जैसे कि आपने कहा चौहान साहब कि बीजेपी में कोई बड़े नेता नहीं है, सभी कार्यकर्ता हैं जी, तो छत्तीसगढ़ में नया सीएम का चेहरा देखने को मिल सकता है, ये सवाल किसका है? ये जनता का सवाल है, हमारा जनता सवाल का है। सवाल अगर होता जी, ये अगर जनता का सवाल होता तो हम, अगर कार्यकर्ता लोग उनके पास कोई योजना लेके जा रहे हैं, किसी चीज के लिए जा रहे हैं, तो पहले ये बोलते कि आप अपना पहले मुख्यमंत्री का चेहरा तो बताइए, फिर हम आपकी योजनाएं सुनेंगे, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। ये सवाल है विपक्षी पार्टियों का जी, क्योंकि उनको उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनानी है जी, जी। और संविधान हमारे को हक देता है कि हम चेहरा पहले बताएं या ना बताएं, इसमें हमारी भी रणनीति हो सकती है। और मेन बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से करती है, अगर मान लीजिए कि जनता को इफेक्ट नहीं आ रहा है, अगर जनता को इफेक्ट आता, मान लीजिए कि
कि आपको नहीं चेहरा पहले ही दिखाना है, तो हमारे संविधान में ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा रहता कि आपको पहले चेहरा बताना है, उसके बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हो, या उस आप डिक्लेयर करो पहले, या इतने दिन पहले करो, या इतने महीने पहले करो। तो ये सवाल जो है वो जनता का नहीं है, वो विपक्षी पार्टियों का है, जो कि और विपक्ष में आज तक आप जितनी भारत में कुछ गिने चुने चीज़ों को छोड़ दें, कुछ गिने चुनी समय को छोड़ दें, तो विपक्ष में जब रहते हैं हम तो चेहरा जो है वो बाद में ही डिक्लेयर किया जाता है। अभी आपके पास कौन सा चेहरा था? कांग्रेस पार्टी के पास भूपेश सरकार में आने के पहले, जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद भी चार चेहरे खड़े हुए थे जी जी, और आज भी दो 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 चेहरों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जी जी, जैसे कि आपने कहा, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अब बीजेपी दुर्ग जिला के मीडिया प्रभारी हैं जी, पिछले दिनों देखा गया कि 12 केंद्रीय प्रभारी छत्तीसगढ़ पे आते हैं। टीएस पुरंदेश्वरी जी आपके प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, वो काफी बस्तर संभाग में उनका दौरा रहता है, वो दुर्ग का भारी हैं, और जो 12 जो प्रभारी आए हुए हैं उसमें क्या कुछ, 12 केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो आए हैं उसमें क्या कुछ हुआ है मीटिंग पे, उसकी कुछ जानकारी अगर आप हमारे दर्शकों को दें, किस तरह की रणनीति तैयार की? सबसे पहले तो हमारे को ये समझना जरूरी है कि प्रशासन अलग है और शासन अलग है। एक पार्टी का काम अलग होता है और प्रशासनिक काम अलग होता है। केंद्रीय मंत्री जो भी है वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो प्रशासन के लिए, प्रशासन का काम और जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, जो वो अंत्योदय तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सब देखने के लिए आते हैं। वो कोई पार्टी के लिए नहीं आ रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अपना काम करने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं इस वजह से, और उनका दायित्व बनता है कि आपने अगर पैसा दिया है तो आप जाके सब जगह देखें कि हम वहाँ पर, हमारा जो पैसा है वो वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, उसका लाभ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, या इसमें और कौन सा मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए, ये पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, ये हमारे, ये केंद्रीय मंत्री को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि हम 100 रुपये देते हैं और 85 रुपये पहुँचता नहीं है, 15 पैसा ही पहुँचता है, 15 पैसा पहुँचता है, 85 पैसा नहीं पहुँचता है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ये इस हिसाब से चलते हैं कि जो भी पैसा है, एक एक रुपया जो है वो जनता का है और जनता तक पहुंचना चाहिए और अच्छे से पहुंचना चाहिए। उसमें अगर हमारे को और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना है और ज़्यादा उस कार्य योजना को बहुत अच्छे से करना है तो हम वो भी करें। इस वजह से केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के लिए आ रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पुरंदेश्वरी जी जल्द ही दुर्ग के प्रवास पे आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे, वो आते रहती है, पिछली बार भी आई और अभी भी आई थी। पुरंदेश्वरी जी पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार जहां जहां उनको लग रहा है वहां वहां वो प्रवास कर रही है, और सभी जगह जाना है उनको जी। पूरा छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला हुआ है और वो उस हिसाब से काम कर रही है, और निश्चित ही रूप से उनके आने से भारतीय जनता पार्टी में और एक उत्साह का और ज़्यादा संचार हुआ है, क्योंकि जब कोई बड़ा नेता इसमें और इंटरेस्ट दिखाता है तो वो जो चीज़ है वो और ज़्यादा शाइनिंग करने लग जाती है। जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी चुनावी तैयारियां हो रही है, माहौल काफ़ी गर्म है चुनावों को लेकर, युवाओं को कितना मौका बीजेपी देने जा रही है, छत्तीसगढ़ बीजेपी, क्या 90 विधानसभा सीटों में पूरे नए चेहरे देखने को मिलेंगे या पुराने चेहरों पे ही आप दाव खेलेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि किसी भी परिवार को आप किसी भी परिवार में देख लीजिए कि अगर किसी घर में सिर्फ युवा युवा रह रहे हैं तो वो डिस्टर्ब रहते हैं, और अगर सभी ओल्ड एज वाले रह रहे हैं जी तो वो भी परिवार जो है वो डिस्टर्ब रहता है। तो किसी भी परिवार में, किसी भी संस्था में, किसी भी पार्टी में, किसी भी देश में जी दो ई की जरूरत होती है जी। एक एनर्जी की और एक एक्सपीरियंस की। एनर्जी भी जरूरी है और एक्सपीरियंस भी जरूरी है। तो हमारे वरिष्ठ जो लोग हैं वो भी जरूरी है पार्टी में मार्गदर्शन के लिए, उनका एक अलग अनुभव है अपना, और एनर्जी भी
जी, एनर्जी भी, युवा भी जरूरी है जी, तो इन दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए जी, वही किसी देश को बहुत आगे बढ़ा सकता है, पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। निश्चित ही रूप से भारतीय जनता पार्टी पहले भी युवाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो देती आई है और आगे भी वो तवज्जो देगी। रही बात जो 90 के 90 विधानसभा की, तो 90 के 90 विधानसभा में जो भी जो जनता के लिए उपयुक्त होगा जी, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपनी पार्टी से ज्यादा, अपने नेताओं से ज्यादा, अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा जनता का जो ख्याल रखती है और राज्य का ख्याल रखती है, जो उस क्षेत्र के लिए जो उचित होगा उसको मौका दिया जाएगा, भले वो एक मंडल अध्यक्ष हो, एक बूथ अध्यक्ष हो या वो वहां पर वरिष्ठ नेता हो। मेन बात यह है कि वो उस जगह के लिए उचित है कि नहीं है, वो वहां पर विधायक बनने के लायक है कि नहीं है, वो विनिंग कैंडिडेट है कि नहीं है, उसकी छवि क्या है, वो कैसा काम कर रहा है, ये सब चीजें देखी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप बदल के रख देंगे किसी को, मतलब बदलाव जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आप जैसे मान लीजिए कि कोई भी पार्टी अगर मान लीजिए 60-70 वोटें जीत गई है, मान लीजिए, तो क्या उसमें बदलाव नहीं आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा। वो भी बोलते हैं कि नहीं, हम भी बदलेंगे, जैसे कि मतलब हम आम देखते हैं। बीते दिनों दुर्ग जिला को एक नया अध्यक्ष मिला, बीजेपी को, दुर्ग जिला बीजेपी को, किस तरह की रणनीति तैयार हो रही है, क्या उनके टीम में नए बदलाव देखने को मिलेंगे या दुर्ग में और भी पदाधिकारियों की बदलाव देखने को मिलेंगे आगामी समय पर? भारतीय जनता पार्टी की ये रीति नीति रही है जी, वो कार्यकर्ता तो क्या मुख्यमंत्री बदल देते हैं चुनाव के 6 महीने पहले जी, आपने देखा ही होगा जी। तो ये रीति नीति रही है जो पार्टी के लिए ठीक है, जो उस जगह के लिए ठीक है, जो काम करने के लिए उचित, अपने जो मकसद हम लेके चल रहे हैं और जो विचारधारा लेके चल रहे हैं, जो उसमें उपयुक्त रहेगा, जो उचित कार्रवाई होगी, जो उचित जो लोग आने चाहिए, भले वो बदलाव हो, हम उसको बदलाव भी बोल सकते हैं, तो वो आते हैं। और जितेंद्र वर्मा जी जो अध्यक्ष बने हुए हैं, वो उनका काफ़ी पहले भी संगठनात्मक बहुत ज़्यादा अनुभव रहा है उनका, और बहुत ही अच्छे से एक्टिव हैं। जनता के बीच कब जा रहे जितेंद्र वर्मा जी? जनता के बीच में ही है। देखिए पहले क्या होता है कि अपनी टीम के साथ जी, अगर वो उनकी टीम जा रही है तो इसका मतलब कि वो जा रहे हैं जी, है ना। तो सबसे पहले कैप्टन का ये दायित्व तो होता है कि पहले अपनी टीम को चार्ज करता है जी, वो जी, जी। तो फिर उसके बाद उनके साथ फिर वो फिर और नीचे लेवल, ग्राउंड लेवल तक जाता है और ग्राउंड लेवल तक जाता है, तो वो क्रम जारी है। और बहुत ही हमारे अध्यक्ष जी तो 4-4 बजे उठ के हमारे को मैसेज कर देते हैं जी, इतने एक्टिव हैं वो जी। एक्टिव वाली बात इसलिए हुई है यहाँ पे क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक पार्टी की एंट्री और हो गई है और वो है आम आदमी पार्टी। बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई, कितनी चुनौतियाँ आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और एक क्षेत्रीय पार्टी भी है JCCJ, जोगी साहब के नहीं, अब तो नहीं है जोगी साहब, तो JCCJ ज्यादा चुनौती आपको देगी या आम आदमी पार्टी? देखिए पार्टियां का होना JCCJ ये जो है वो उनकी अपनी एक विचारधारा है, आप पार्टी जो है वो अपनी विचारधारा है। पार्टियां जितनी ज्यादा रहेंगी उतना ज्यादा अच्छा है, बाजार में जितने ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे उतना ही ज्यादा जनता को लाभ मिलता है जी। जनता उसमें से देखती है कि ये कौन से अच्छा है और कौन सा बुरा है, कौन सा विकल्प हमारे लिए ठीक है और आज के समय के लिए कौन सा फल हमारे को खाना है, कौन सा फल हमारे को तंदुरुस्त करेगा, कौन सा सस्ता मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, किफायती है और अच्छा मिल रहा है, वो सब देखती है जनता और उसके बाद वो परचेस करके आती है, उसको वोट दे के आती है। मेन बात यह है कि जनता के लिए विकल्प होना बहुत ज्यादा अच्छी बात है, भले वो JCCJ हो या आप पार्टी हो या दूसरी कोई भी पार्टी हो सकता है कि चुनाव में 1.5 साल में 1-2 पार्टियां और आ जाए, लेकिन मेन बात यह है कि आज जनता जो है वो ये देख के चलती है
और जनता बहुत ज्यादा जागरूक हो गई जी। वो ये देखती है अभी जैसे 68 सीटें आ गई थी 2018 में जी, नवंबर की बात है, उसके 6 महीने बाद जी 11 में से 9 सीटें सांसद की भारतीय जनता पार्टी में चली गई। वोट ऑफ परसेंटेज जो विधानसभा में था और जो लोकसभा में था वो उसमें बहुत ज्यादा अंतर था जी, बहुत ज्यादा अंतर। लोग जागरूक हो रहे हैं जी, और उनको सबको पता है कि अगर हम किसी पार्टी को वोट देंगे, और आज की डेट में मेंटलिटी मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए कि 90 विधानसभा है और कोई 20 जगह अपनी पार्टी उतारता है तो जनता उसको पहले ही रिजेक्ट कर देती है। क्यों? हम अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे, तुम अपनी सरकार तो बना नहीं पाओगे तो हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें। तो पहले कैपेबिलिटी देखी जाती है। और आप पार्टी का मैं बता दूं कि आप पार्टी का परफॉर्मेंस दिल्ली में जो देखा गया है, जो दिखाते हैं आप पार्टी वाले, और बट नेचुरल दिल्ली में अच्छा देखा गया है, रिजल्ट अच्छा आया है, उसका पीछे एक कारण है, वहां पर रूरल एरिया नहीं है और वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं, जो अर्बन एरिया है, उसमें से टैक्सेस बहुत ज्यादा आते हैं, उसमें से जो इनकम है वो बहुत ज्यादा आती है। इस वजह से आप पार्टी वहां पर खर्चा कर पा रही थी जी। लेकिन आज जब पंजाब में उनकी सरकार आई है जी, आज आप बोलेंगे कि दिल्ली के जैसा बनाना है, दिल्ली के जैसा चलाना है, तो वो पंजाब में दिल्ली के जैसा नहीं चला सकते। जैसे कि आप आम आदमी पार्टी जो है वो बाहर की पार्टी है, बाहर की पार्टी मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर की पार्टी, क्षेत्रीय, वो एक आंदोलन से उठी हुई पार्टी है जी। छत्तीसगढ़ में अगर आपको ऑफर देती है आम आदमी पार्टी कि हम आपके सहयोग से आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो ऑफर एक्सेप्ट होगा? भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है। अच्छा जी, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत ज्यादा सक्षम है कि चलिए आपने आप तो ये बोल रहे हैं कि आप तोप को बोल रहे हैं कि हम हमारे पास पिस्टल भी है और हम आपके साथ चलाएंगे जी जी। तो भाई तब तोप चल रही है उनके पास तो पिस्टल एक और गोली चाहेगी तो उसका मतलब क्या रहेगा? चलिए, छत्तीसगढ़ बीजेपी खारिज कर रही है आम आदमी पार्टी को? नहीं नहीं, देखिए उनका एक अपना क्राइटेरिया है, अपना वजूद है। हम सभी की, भारतीय जनता पार्टी सभी की इज्जत करती है जी जी, सभी की इज्जत करती है। और विपक्ष जो होता है वो मजबूत होना चाहिए जी जी, बिल्कुल होना चाहिए। वो जनता के हित में रहता है, देश के हित में होता है जी। एक खूबसूरती होती है लोकतंत्र की जी, मजबूत विपक्ष जी, जिसके कारण जनता को डायरेक्ट लाभ मिलता है जी। और बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष मजबूत होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? कोई भी पार्टी आए वो मजबूत हो गया है। कांग्रेस की बात करते हैं, सीएम बघेल जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी है उन्होंने 15 साल यहाँ राज किया लेकिन छत्तीसगढ़ियों को कभी आगे उन्होंने नहीं बढ़ाया, किसी भी बड़े पद में छत्तीसगढ़ियों को मौका नहीं दिया। आगामी चुनाव पे कोई बड़ा चेहरा देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, किसी भी बड़े पद में छत्तीसगढ़ बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा देखने को मिलेगा जिसको आप आगे बढ़ाएंगे, छत्तीसगढ़ बीजेपी आगे बढ़ाए? नहीं, हमेशा से ही, क्योंकि सीएम ने आरोप लगाया। नहीं, सीएम क्या है, सीएम जो है वो बीजेपी में आरोप तो लगाएंगे ही, उनका धर्म है, क्योंकि जो पार्टी के हिसाब से जो लगाएंगे दूसरी पार्टी पे वो उनका धर्म है, वो अपना बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सीएम आज कौन सा धर्म अदा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी होने का? छत्तीसगढ़ी वो नहीं होता जो क्या बोलते हैं, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ी हम जो एक सामाजिक विशेष का हो, छत्तीसगढ़ी वो होता है जो यहाँ पर पैदा हुआ है जी। जैसे पंजाबी जी। पंजाबी वहां पर, जो वहां पर पैदा हुआ है, जो वहां पर रहता है जी। उनको पंजाबी बोला जाता है, पंजाब वालों को जी। वो सिख कौम एक अलग है, वो बात अलग है कि वहां पर बहुलता ज्यादा है सिख की, लेकिन ऐसा नहीं है पंजाब में जो रहता है। महाराष्ट्रियन हम किसको बोलते हैं? सिर्फ मराठी लोगों को तो नहीं बोलते, महाराष्ट्रियन उनको बोलते हैं जो महाराष्ट्र में रहता है। गुजराती किसको बोला जाता है? गुजरात, जो गुजरात में रहता है, है कि नहीं? साउथ इंडियन किसको बोलते हैं हम? साउथ में रहते, भले वो सिख हो, सिंधी हो, मुस्लिम हो,
जैन बौद्ध पारसी भाई हो, जो साउथ में रह रहा है वो साउथ इंडियन है जी, और जो हमेशा से रह रहा है उनकी वेशभूषा और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो वैसे ही बन जाता है जी जी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करेंगे। और आज ये बताइए कि आज उन्होंने छत्तीसगढ़िया के लिए क्या किया। छत्तीसगढ़िया मतलब जो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उनको छत्तीसगढ़िया बोल रहा हूँ, उनके उन्होंने क्या किया जी। आज सिर्फ आप बोरेबासी खा रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़िया का हक मत खाइए आप जी। आज आपने राज्यसभा में दोनों बाहर की पार्टियों को लेके गए आप जी, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी महत्वाकांक्षा आपको पूरी करनी है, सिर्फ इसलिए कि आपको चाटुकारिता करनी है, सिर्फ इसलिए कि आपकी ढाई ढाई साल की कुर्सी बच जाए, सिर्फ इसलिए कि आप नजदीक हो सकें अपने आला कमान से, सिर्फ इसलिए। यहां तक कि प्रियंका गांधी जी का नाम प्रमोट किया उन्होंने खुद कि इनको राज्यसभा मेंबर बनाना चाहिए। आप खुद ही प्रमोट कर रहे हैं, आपको प्रमोट करना चाहिए था कि हमारे छत्तीसगढ़िया में से कम एक मेंबर तो जाए जी। वैसे तो हक तो ये है कि दोनों जाने चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी वैसे ही 60 सालों के हिसाब से चल रही है जैसे पहले चलती आई जी। आज कोई भी 57 में से 10 राज्यसभा सीटें थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जी। उन्होंने अधिकतर लोगों को, बाहरी लोगों को उतार दिया जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक सीट को, वो भी मंत्री हैं, उनको रेगुलर करना था, उनके राज्य में ऑप्शन नहीं था राज्यसभा मेंबर का, इस वजह से उनको कर्नाटक से दिया गया निर्मला सीतारमण जी को जी। बाकी सब क्षेत्रीय वहां के जो महाराष्ट्र के हैं वो महाराष्ट्र से दिए गए, जो राजस्थान से हैं वो राजस्थान से लिए गए, हरियाणा से हरियाणा से लिए गए, सभी जगह से वहीं से लिए गए जी। लेकिन ये और दूसरी भी क्षेत्रीय पार्टियां जो थी जी, जिनके राज्यसभा मेंबर आ रहे थे, उन्होंने भी अपने ही क्षेत्र को प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि अगर वो उनका राज्यसभा मेंबर वहां जाता है तो वो अपने वहां का ज्यादा विकास कर सकता है। आप छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या किए? क्या केटी तुलसी ने कुछ किया वहां पर? आपने बनाया था ना, केटी तुलसी वहां पर जाके कुछ कर रहे हैं? आज छत्तीसगढ़िया ही छत्तीसगढ़िया की प्रॉब्लम अच्छे से समझ सकता है, वो कहां फंड लगाना है कहां नहीं लगाना है। फंड लगाने से ज्यादा जरूरी होता है कि उसका कहां अच्छे से यूज करना है, वो ज्यादा जरूरी होता है। और जवाबदारी एक छत्तीसगढ़िया जो यहां पर रहता है उसकी ज्यादा बढ़ जाती है। आप ज्यादा जवाबदार रहेंगे अगर यहां पर रहते हैं आप, तो अगर राज्यसभा मेंबर अगर बनाया जाता, आप किस छत्तीसगढ़िया की बात कर रहे हैं? आप भ्रम में लग रहे हैं और यहां का जो छत्तीसगढ़ का जो हक है वो आप दूसरों को दे रहे हैं। तो आप पहले अपना गिरेबान झांक के देखिए, उसके बाद दूसरों को बोलिए। दुर्ग की बात करते चौहान साहब, बीते दिनों आप लोगों ने निगम का घेराव किया दुर्ग बीजेपी ने, 15 दिन का समय कमिश्नर जी के द्वारा, आयुक्त जी के द्वारा दिया गया था जी। उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है पार्षदों के द्वारा अगर आपकी बातचीत हुई हो तो जी, और अगर आप लोगों की वो मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या देखने को मिलेगा हमें? और दूसरी चीज़ ये, काफ़ी पानी की किल्लत है, काफ़ी आवारा पशु वहाँ पे हैं, गौरव पथ के नाम पे काफ़ी गड्ढे खोदे गए हैं, सड़कें बर्बाद हुई हैं दुर्ग की, इसे जनता तक, आम जनता तक कैसे पहुँचाएंगे आगे? देखिए, आम जनता तक पहुँचाने की जरूरत नहीं है जी। आज अगर आम जनता इसका हिस्सा नहीं बनती तो इतनी ज़्यादा भीड़ जो है वो रोडों पर नहीं उतरती जी, हजारों लोग नहीं। तो इसमें कांग्रेस का कहना था कि आप लोगों ने पैसे के दे के भीड़ जुटाई है, अब वो तो वो बोलेंगे ही ना जी। लेकिन आप मेरे, हमारे पास वीडियो है जी, दूसरे चैनलों का भी वीडियो है जी, उन्होंने आम जनता से क्वेश्चन किए हैं जी, जो कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल भी हुए हैं जी। आप वो छीन छीन के कैमरा अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे वहां पर लोग जी, वहां का आक्रोश देखिए, वहां पर जो आक्रोश आया था, जनता का जो आक्रोश था, महिलाएं, बुजुर्ग जी, युवा जी, जो लोग वहां पर गए थे जी, वो अपने हक की लड़ाई लड़ने गए थे जी। जो आज पानी के लिए त्रस्त है, जो उसके पानी के लिए उनके तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है, उस वार्ड में पानी नहीं दिया जा रहा है या किल्लत की जा रही है, जिस वार्ड से आपके कांग्रेस का नेता नहीं है, जिस वार्ड से आपके कांग्रेस का पार्षद नहीं चुना गया है,
या जिस वार्ड से आपको पिछले विधानसभा में कम वोटें मिली हैं, ये गलत है। तो आपको लगता है कि बीजेपी के पार्षदों के साथ भेदभाव कर रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी के पार्षदों के साथ भी और जो निर्दलीय पार्षद हैं उनके साथ, यहां तक कि इन्होंने अपने कोरोना काल में राशन में भी भेदभाव किया है। आखिरी सवाल चौहान जी, आगामी चुनाव पे किस तरह की रणनीति, बूथ स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे बीजेपी करने जा रही है? क्या केंद्र से कोई बड़े नेता आ रहे हैं छत्तीसगढ़? देखिए, ये तो एक हिस्सा रहता है कि केंद्र से नेता आएंगे कि नहीं आएंगे, वो पार्टी के लिए आते हैं अपनी बात रखने, क्योंकि मैं केंद्र की बात यहाँ पे बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीएम हमेशा से ये आरोप लगाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमेशा अनदेखी वो करते हैं छत्तीसगढ़ को, यहाँ पे पैसे को लेके काफ़ी अनदेखी करते हैं, हमारे को फंड नहीं मिलता, हमारे जो राज्यसभा जो गए हुए हैं बीजेपी के सांसद वो यहाँ के लोगों की, आमजनों की आवाज़ नहीं उठाते, तो काफ़ी आरोप बड़ा उनकी लिस्ट है। तो आगामी चुनाव पे ये सब चुनौतियों का कैसा सामना करेगी छत्तीसगढ़ बीजेपी? 60,000 मैट्रिक टन जी चावल लिया गया जी, जिसका 1,00,000 क्विंटल पैडी होता है, 1,00,000 मैट्रिक टन पैडी होता है। अगर केंद्र सरकार नहीं लेती तो क्या आप धान खरीद सकते थे? 1,00,000 मैट्रिक टन के आसपास ही तो आपने धान खरीदा है जी। अगर केंद्र सरकार अगर चावल आपसे नहीं लेती समर्थन मूल्य पे, तो आप खरीद सकते थे जी? नहीं खरीद सकते थे। और दूसरी बात, अगर केंद्र को इतना ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना रहता, उनकी योजनाएं वहाँ पर चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, तो इस वजह से ही तो हमारे 12-12 केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ की स्थिति। आप अपने खुद के दायित्व पूरे नहीं कर रहे हैं एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते। पीएम आवास योजना का पैसा 60% वापिस जाता है, जो लोगों को घर मिल जाना चाहिए था वो घर परिवार को नहीं मिला, क्योंकि आप 40% पैसा अपना वहां पर नहीं लगाए। और ऐसी कई योजनाएं हैं जिसमें 60% आपको लगाना है और 40% आपको लगाना है राज्य सरकार को, वो आप नहीं लगा पाए। आज मनरेगा के लोग क्यों रोडों पे हैं, क्यों रोडों पे उतरे हुए हैं जी? आज मितानी बहने क्यों रोड पे उतरी हुई हैं जी? आज जो नविदा के शिक्षा कर्मी है वो क्यों रोड पे उतरे हुए हैं जी? आप पुलिस कर्मियों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे जी? ये सभी चीजें आप पहले अपना गिरेबान झांक के देखिए। और दूसरी बात यह है कि केंद्र ने जो दायित्व अपना पूरा करना है वो दायित्व अपना बहुत अच्छे से पूरा कर रही है केंद्र जी। और हमारे समय समय पे जो सांसद लोग हैं वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, फंड दे रहे हैं जी। यहाँ पर हमारी सुश्री सरोज पांडे जी, जिन्होंने आप वहाँ जाके देखिए जो मरघट है अपना, वहाँ पर उन्होंने करोड़ों रुपए का काम करवाया है, यहाँ पर चौक में काम करवाया है, है ना। अभी उन्होंने खेलकूद के लिए फंड दिया था अभी पिछले दिनों जी, है ना। ऐसे फंड दे रहे हैं, लेकिन आपकी केटी तुलसी जी कहाँ है? वो क्यों नहीं उठा रहे हैं सवाल? वो क्यों फंड लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर? कहाँ पर हैं वो? बाहरी आपके राज्यसभा के सांसद कहाँ पर हैं? आपने दो पिछली बार एक 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 को किया था, इस बार दोनों को कर दिया। ये है आपकी रणनीति, ये है आपकी मतलब छत्तीसगढ़ के प्रति संवेदनशीलता। काफ़ी अच्छे बेबाकी से आपने जवाब दिया केशवान साहब। आखिर में जिला की जनता से कुछ अपील आप करना चाहे तो बिल्कुल ग्रैंड न्यूज़ के तहत आप कर सकते हैं, माध्यम से आप कर सकते हैं। जिला की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप कोई भी गलत कार्य या जो आपके हक में है, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि हर राजनीतिक पार्टी, हर सरकार, भले वो शहर सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, जिसका जो दायित्व है अगर वो पूरा नहीं कर रहा है तो उसके प्रति अपनी आवाज उठाएं। और आवाज उठाना बहुत ज्यादा अब आसान हो गया है,
हम सोशल मीडिया के थ्रू भी आवाज उठा सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग कॉल सेंटर्स हैं, वहां पर हम फोन करके हम अपनी आवाज या अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उनको वो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑनलाइन आ जाता है शिकायतें वो बहुत जल्दी पूरी कर ली जाती हैं, उसको छुपाने का कोई भी माध्यम नहीं होता है, छुपाने का और कोई तरीका नहीं होता है। इस वजह से आप जरूर अपनी अधिकारों के प्रति और सरकारों के दायित्व के प्रति आप जागरूक हों और अपनी आवाज़ उठाएं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी दुर्ग जिला के मीडिया प्रभारी के चौहान साहब, काफ़ी बिजी शेड्यूल में आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, रूबरू के तहत आज हमने बात की के चौहान साहब से, मीडिया प्रभारी हैं दुर्ग जिला बीजेपी के। इसी के तहत अगली बारी हम एक नए शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, सादर प्रणाम।